हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज फिर निकल पड़े हैं कोलकाता को नज़दीक से देखने के लिए। तो आज का सफ़र शुरू कर रहे हैं श्री हरि मिष्ठाना भंडार। तो ये एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट जॉइंट है कोलकाता में, भवानीपुर एरिया में। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे जो फेमस है, पहला आइटम जो हम लोग ऑर्डर किए हैं वो है यहाँ का फेमस राधा बल्लभी और छोलार दाल। राधा बल्लभी को आप दाल पूरी बोल सकते हैं, उसके साथ ये जो छोलार दाल है काफ़ी फेमस है। तो गरम गरम सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं यहाँ से। ये रहा राधा बल्लभी। तो आप ये दाल का ये देख सकते हैं अंदर में और ऊपर से कोटिंग, तो इसके साथ ये मज़ा आएगा, बहुत ही खूब। ये है और एक आइटम हमने ऑर्डर किया है, ये है वेजिटेबल चॉप जो कि कोलकाता में काफ़ी फेमस है। ये इसके अंदर बीटरूट की स्टफिंग है और वेजिटेबल्स का। ये देखिए गरम गरम सुबह सुबह इसका मज़ा ही कुछ और है। इसको तोड़ते हैं, देखिए कितना क्रिस्प है ये अंदर का बीटरूट का फ्लेवर। ये वन ऑफ द हेरिटेज प्लेसेस में आता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप इस एरिया में आएंगे तो यहाँ मिस मत कीजिए। तो ये आप शॉप देख सकते हैं, सारे आइटम के प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। यहाँ और एक आइटम फेमस है, वो है लैंगचा। तो यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त लैंगचा मिलता है, तो हमने ऑर्डर किया है ये, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट, चम्मच लगाते ही मतलब पीसेस हो गए इसके। और ये वाह, अद्भुत, बहुत ही सही। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, एकदम बढ़िया। तो स्वीट और सेवरी का मिक्स है ये ब्रेकफास्ट, जो अभी हम लोग ख़त्म करके आगे शहर को महसूस करने के लिए निकलते हैं। हम पहुंच गए हैं स्प्लैनेट, जो कि धर्मतला भी बोला जाता है इसको, और ये सेंट्रल कोलकाता का एकदम प्रोमिनेंट पार्ट है ये। तो ये सुबह धूप उठ चुका है एकदम बढ़िया से, तो अभी हम चल रहे हैं हावड़ा ब्रिज की ओर। यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके आगे निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर है, सुबह का टाइम। सुबह सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और है, भीड़ नहीं होती है सुबह। और ये जैसा आप नज़ारा देख सकते हैं सुबह सुबह मस्त एकदम, वो ईडन गार्डन्स दिख रहा है आपको दूर में, उसके सामने से चलेंगे। ये रहा क्लोज व्यू, और ऐसे होते होते हम लोग हावड़ा ब्रिज की ओर चल रहे हैं, बाबूघाट की तरफ। ये रास्ता बाबूघाट जाता है। तो आखिर पहुंच ही गए हैं हावड़ा ब्रिज। तो ये जैसा आप देख सकते हैं रविंद्र सेतु इसको कहा जाता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड पे आता है, जो कि बड़ा बाजार के एकदम सामने है। तो ये गेटवे ऑफ कोलकाता माना जाता है इसको, ब्रिज के उस पार हावड़ा है। सुबह का टाइम है, ट्रैफिक की जोर शुरू हो गई है। अब हम ब्रिज के नीचे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा यहाँ इस जगह का मज़ा लेते हैं। और एकदम क्लोज व्यू, देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है ये। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस है इंडिया में, ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। और इसके नीचे है हुगली नदी, ये देखिए सुबह का एकदम ब्यूटीफुल व्यू। उस पर है हावड़ा स्टेशन और उस साइड है हावड़ा। ये नीचे जो आप देख रहे हैं मौलिक घाट है, फ्लावर मार्केट। ये एशिया का बिगेस्ट फ्लावर मार्केट है, यहाँ होलसेल में फूल मिलता है, तो ये काफी बड़ा है। ये आप नजारा देख सकते हैं एकदम ब्रिज के नीचे, और हावड़ा ब्रिज का ये कंप्लीट व्यू है जो हम सामने से कैप्चर कर रहे हैं। बहुत बार लोग यहाँ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, पर ये रुक के ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है इसको एक्सपीरियंस करना अलग ही बात है।
ये देखिए कितना ह्यूज, बहुत ही बड़ा है। ये ऐसे फ्लावर मार्केट होते हुए नीचे चलेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए ये अद्भुत नजारा। ये नीचे जो ट्रेन जा रहा है ये सर्कुलर रेलवे का पार्ट है, जो कि कोलकाता का एक वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो के अलावा। और सुबह सुबह लोगों की भीड़ शुरू हो गई है, और ये बड़ा सा हावड़ा ब्रिज नीचे देखते हुए, ये देखिए स्टील का ये जो स्ट्रक्चर है, नट्स बोल्ट्स बहुत सारी यूज की गई है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। ये हम पैदल फ्लावर मल्लिक घाट होते हुए आ गए हैं यहाँ हावड़ा ब्रिज को दूर से देखने के लिए। अमेजिंग, ये रहा फुल व्यू। ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है। ये जो आप आगे देख रहे हैं ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो ये भी इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। और ये बोट निकल पड़ा है वहां का फेरी घाट से इस साइड आने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा था, नीचे आप कुछ भी पिलर नहीं देख सकते यहाँ पे, तो बीच में एक भी पिलर नहीं है ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए, तो इसे कैंटिलीवर ब्रिज कहा जाता है। और ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है। दोनों तरफ को वेट को बैलेंस करके बनाया गया है इसे नट्स और बोल्ट्स के साथ। ये देखिए फुल व्यू, ये नजारा ही कुछ अलग है। हावड़ा ब्रिज देखने के बाद हम जस्ट रेलवे ट्रैक क्रॉस किए हैं। ये जो सर्कुलर रेलवे आप देख रहे हैं, ये ट्रेन्स चलते रहती हैं सारा दिन यहाँ पे। और यहाँ से फिर से थोड़ा खाना एक्सप्लोर करने निकलते हैं। चलिए फिर से हम शहर का चक्कर काट के पहुँच गए हैं ये फेमस शर्मा टी स्टॉप। ये है आपको फिर से भवानीपुर गुरुद्वारा रोड पर मिलेगा ये आपको। तो ये शर्मा टी हाउस है इसका नाम, और यहाँ का भीड़ देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कितना फेमस है ये। देखिए ये गुरुद्वारा जो आपको सामने दिख रहा है, ये आगे नेताजी भवन मेट्रो से आप सीधा आ सकते हैं यहाँ। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है और ना बैठने के लिए। ये रहा गरम गरम खास्ता कचौड़ी, तो यहाँ फेमस है खास्ता कचौड़ी, और ये तल रहा है सुबह सुबह। वाह, अब देखने से तो एकदम गरम गरम है, टेस्ट करते हैं। चलिए ये आ गया है हम लोग का एक प्लेट, शुरू करते हैं ये खास्ता कचौड़ी। क्लब कचौड़ी भी बोलते हैं इसको। तोड़ते हैं गरम गरम, और इसके साथ ये आलू करी दिया जाता है, छोले आलू करी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, वाह। अरे चलो ग्रेवी के साथ टेस्ट करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया, सुपर। टेस्ट का तो कोई जवाब नहीं है, ये स्ट्रीट फूड का एक अलग ही अंदाज है। और ये एक जलेबी गरम गरम अभी जस्ट निकाला गया है इसे, और इसे भी टेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ही सुंदर। और ये एक मज़ा है स्ट्रीट फूड का, चाहे आप जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो पर इसको नहीं रोक सकते, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अंदर ये जो पूर डाला है यहाँ पे, टेस्ट करने लायक है। शर्मा टी हाउस, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे हैं एड्रेस के साथ। ये देखिए ये है निमकी, यहाँ पे निमकी भी मिलती है, आप ये भी ले सकते हैं, समोसा निमकी, उसके साथ क्लब कचौड़ी। और ये देखिए ये छोटी वाली है, ये रहा है बड़ी वाली निमकी, और गुलाब जामुन, जलेबी, और नीचे ये देखिए निमकी है, बगल में समोसा, फिर वो खास्ता कचौड़ी, और ऊपर ये ब्रेड टोस्ट काफ़ी फेमस है जो हमने ऑर्डर किया। ढोकला भी है यहाँ पे, ये कचौड़ी और दही वड़ा भी मिलता है। ये देखिए नज़ारा सुबह का, गरम गरम बनता है यहाँ और आपको प्लेट पे सर्व करते हैं। चलिए हो
5 फुट होगा। कोई बात ये रहा, ये है क्या? थैंक यू। ये फोटो अगर हो सके तो एक मिनट नाम भेज देना। उस चाय वाले ने मेरे को फोटो भेजने को कहा है जो मैंने लिया था वीडियो कैप्चर करके, तो वो मैं उसे भेज दूंगा। ये है फेमस केसर चाय और ये ब्रेड टोस्ट। ऊपर मसाला थोड़ा सा लगा के देते हैं और ये काफ़ी फेमस है कोलकाता में। इसके साथ एग्स भी देते हैं, डीम टोस्ट, तो हमने ये प्लेन लिया। और इसके साथ केसर चाय का मज़ा ही कुछ और है। अरे वाह, मस्त ब्रेकफास्ट है ये सुबह एकदम, और उसके साथ ये गर्मा गर्म चाय। भाई आज तो मज़ा आएगा। यहाँ फिर गरम गरम कचौड़ी हो रही है और ये पूरा शाम तक चलता रहता है, एक मिनट भी इनको रेस्ट नहीं होता है। सुबह सुबह पैदल निकलकर शहर को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ और है। आज एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत दिन मैंने महसूस किया आज। ये देखिए, ये एक स्किल्ड रोटी बना रहा है जहाँ 10 फुलका बना रहा है ये एक साथ। ये देखिए, एक साथ उसने सब बेल दिया है। इसका स्किल देखिए, 7 रोटी 8 शायद 10 है, हाँ 10 फुलका को एक साथ कर रहा है वो। ये मैंने कहीं नहीं देखा है। ये देखिए अभी एक एक करेगा ये। ये रहा पहला, हो गया। ये रहा दूसरा, हो गया। तो लगभग एक मिनट में 10 रोटी, ये मतलब एक अलग सा ही चैलेंज है। तो ये जो स्किल है अद्भुत, तो ये मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं, काफ़ी मज़ेदार। ये आपको शहर एक्सप्लोर करने से मिलता है। चलिए, लौटने का वक्त हो चुका है और आप खाली इस मेट्रो वॉइस का मज़ा लीजिए। फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। और हाँ, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ब्लॉग्स के लिए हमारे साथ। बाय बाय, थैंक यू।